24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। एससी एसटी से जुड़ा विवाद सुलझाने के लिए पीएम मोदी खुद संभालेंगे मोर्चा। विपक्षी पीएम उम्मीदवारी पर बोली ममता, चुनाव से पहले फेडरल फ्रंट में नहीं हो कोई चेहरा। तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती, समर्थक जुटे। राज ठाकरे का विवादित बयान, अजान के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं, घर में पढ़े नमाज। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का जल स्तर, दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा। आज लखनऊ में पीएम मोदी, हर महीने यूपी में कर सकते हैं 2 से 4 रैली। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आज, मुलायम और शिवपाल की भूमिका होगी अहम। गाजियाबाद के खोडा में धराशायी हुई 5 मंजिला इमारत, बचाव जारी। श्रीलंका दौरे पर छाप नहीं छोड़ सके अर्जुन तेंदुलकर, सिर्फ मिले 3 विकेट। मेरठ में 10 वर्षीय समीर के लापता होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। मैं मनु तिवारी, अलाइव 24।